me, Sanvi. आज मैं आ गई हूँ एक मस्ती भरे वीडियो के साथ। और अगर आपको जानना है कि इसमें मस्ती क्या होने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इसमें हम करने वाले हैं क्यूट सी थ्रेड पेंटिंग। मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसमें कलर और डिजाइन अपने हिसाब से कर सकते हो, है ना इतनी प्यारी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसे बनाने के लिए आपको बहुत कम चीजें चाहिए, बस एक पेपर। मैंने यहाँ पे एक A4 साइज पेपर लिया है, आप कोई भी पेपर का साइज ले सकते हो जो आपका मन हो। एक पोस्टर कलर, एक ब्रश और एक थ्रेड। थ्रेड थोड़ा सा थिक होना चाहिए, ये बिल्कुल पतला वाला थ्रेड नहीं होना चाहिए, देख सकते हो आप, थोड़ा थिक थ्रेड है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए इस पेपर को हमें हाफ ऐसे फोल्ड करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर, ये मैंने फोल्ड कर दिया सर। अब इसको खोल देते हैं। अब हमें लेना है अपना पोस्टर कलर, उसके बाद आपको पोस्टर कलर डाल देना है, इसके अंदर डिप कर देना है। और हाँ, आपको इतनी जगह यानी कि इतनी स्पेस छोड़ देनी है, इतनी स्पेस को बिल्कुल डिप नहीं करना है आपको, और बाकी के पूरे थ्रेड को आपको डिप करना है। तो ये मैंने इसमें किया है क्योंकि मैंने इसमें वाटर ऐड कर रखा था। और आप चाहो तो आप एक बोल में थोड़ा सा कलर निकाल के उसमें वाटर ऐड करके कर सकते हो उसे डिप। और अगर आपसे इसके अंदर ना जाना हो तो आप ब्रश से जा सकते हो। चलो अब हमें क्या करना है कि इतनी एंड देखिए मैंने छोड़ दी है। अब हमें पेपर ले लेना है और इसे बाहर निकाल लेना है अपने थ्रेड को। थ्रेड को बाहर निकालने के बाद हमें थ्रेड को पेपर पर रफली प्लेस कर देना है, जैसे मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। और ये जो हमने नहीं किया था, हमने जिस पे कलर नहीं किया था, उसे हमें यहाँ पे अपने पास रखना है। और फिर आपको इसे ऐसे रख लेना है। इसके बाद आपको ना कोई भी हैवी चीज़, जैसे मैं यहाँ पे अभी अपने ट्यूब कलर उसका पैकेट रख रही हूँ, आप कोई बुक या फिर कुछ भी रख सकते हो, थोड़ा हैवी हो, उस पर प्रेशर डालिए और इस थ्रेड को खींच लीजिए, लेकिन बहुत तेज़ नहीं, धीरे धीरे ही आपको इसे पुल करना है। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो कितनी प्यारी बनी है, ऐसी मैंने एक और बना ली थी, है ना कितनी क्यूट। ऐसी आप कोई भी डिजाइन कलर बना के अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग एक क्यूट सी ड्राइंग बना सकते हो, और वो भी 2 मिनट्स में बनने वाली। बोला था ना ये वीडियो बहुत मस्ती से भरा होने वाला है। और अगर आपको और ऐसे मस्ती से भरे वीडियोस हैं तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन है ना, घंटी, उसे भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।